भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म तुल्हिन गंगा पार के रिलीज नहीं हो रही है। इसी शुक्रवार यानी 11 मई को फिल्म दर्शकों के बीच आने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर फिल्म को रिलीज से हटा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले से ही 11 मई की तारीख फिल्म की रिलीज के लिए तय की गई थी, लेकिन अब फिल्म को अगले हफ्ते यानी कि 18 मई को प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि जब हमने इस बारे में फिल्म के निर्माता अरविंद आनंद से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पब्लिसिटी के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, जिसके लिए फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाया गया है। वैसे आपको बता दें कि इसी दिन पवन सिंह की फिल्म वांटेड भी रिलीज हो रही है, जिसकी रिलीज डेट पहले 27 अप्रैल थी, लेकिन बाद में उसे 11 मई को रिलीज पर रखा गया। हालांकि अब खेसारी लाल यादव के तमाम फैंस को फिल्म दुल्हिन गंगा पार के देखने के लिए एक सप्ताह का और इंतजार करना होगा। वैसे आप सबको इस बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं।